यूपी की सियासत का जब भी जिक्र होगा यूपी के यादव परिवार और दो नेताओं के नाम कई बार कई किस्सों में आएंगे। नमस्कार, नेशन लाइव के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। आज के शो में हमारे मेहमान हैं शशि जी। सपा के स्टार प्रचारक और मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट और फनकार हैं शशि जी। शशि जी, नेताजी मुलायम सिंह, अखिलेश जी और चाचा शिवपाल का अंदाज और आवाज को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हैं। आजकल इन्हें जूनियर अखिलेश कहा जाने लगा है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं शशि जी से और सपा कुनवे की चुनावी तैयारियों पर थोड़ा मन टटोलते हैं नेताजी, अखिलेश और चाचा शिवपाल का। बहुत स्वागत है सर, नेशनल लाइव। बहुत धन्यवाद। गठबंधन के बाद कितने तैयार हैं आप जीत के लिए? तैयारी है, क्योंकि इस बार जो 5 साल के वादे के थे आपके, अब मैं चाय वाला कहूँ या चौकीदार कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रधानमंत्री अक्सर ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किए और 5 साल का जो झूठ था वो कहीं की जनता नाराज़ है। वोटिंग वाले दिन वो झूठ कहीं ना कहीं वोटिंग में तब्दील होगा और देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। गठबंधन तो आपने पिछली बार भी किया था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ और आपने नारा भी दिया कि यूपी को ये साथ पसंद है। अब ये गठबंधन दोबारा किया है, उसके परिणाम जनता के सामने है, इसके क्या परिणाम होंगे? वो परिणाम जो है वो कहीं कहीं ऐसा परिणाम था जिसमें जनता को कहीं कहीं बहका दिया गया। हम तो विकास की बात कर रहे थे, इसी एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, हम डायल 100 की बात कर रहे थे, गोमती रिवर फ्रंट जो हमने बनाया उसकी बात करी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कर रहे थे जी। और कहीं कह रहे थे कि आप दिवाली पे लाइट ज्यादा कम देते हैं, उस पर ज्यादा देते हैं दूसरे त्योहारों पर, तो ये कहीं ना कहीं जनता को बहकाया इन्होंने, जनता बहक गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता एक बार समझ चुकी है कि और एक ऐसी पार्टी जो नया प्रधानमंत्री दे और विकास को वोट देना चाहती है। अखिलेश जी, देखिए अटकलें ये हैं कि आप तो कांग्रेस को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे लेकिन माया बुआ शामिल नहीं थी उसमें, तो कहीं ना कहीं माया जी की आवाज तो आपने ऊपर रखा और अपनी आवाज को नीचे रखा? नहीं, चूंकि सीनियर लीडर हैं और हमसे सीनियर हैं और तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी को ही तवज्जो दी जाती है, इज्जत दी जाती है। हमने जब भी हम राजनीति शुरू की कभी हमने किसी तरह का कोई उनको ऐसा शब्द नहीं बोला जो ना बोलना चाहिए था, हमने हमेशा उनको बुआ बोला और वो सम्मान जो एक मिलना चाहिए वो हमने दिया है, तो इसीलिए गठबंधन किया। और फिर तो हमने बीजेपी से सीखा, बीजेपी के कई पार्टियों से गठबंधन किए हुए हैं, तो जो वोट है बूथ पर कैसे बढ़े वो हमने इसीलिए गठबंधन किया। और इस बार जो है जो समस्याएं दलितों की हैं, ओबीसी की हैं, मुस्लिम्स की हैं, वो एक साथ समस्याएं आई हैं और बहुत अच्छा वोट प्रतिशत हमको वोटिंग बूथ पे मिलने जा रहा है और बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। एक आपका ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था आजकल, जब आपने प्रधानमंत्री मोदी के शराब वाले बयान पे ट्वीट किया, सपा रालोद और बसपा का ट्वीट, और बहुत लोगों तक पहुंचती है क्योंकि वो बात ही ऐसी होती है। और मैं अच्छा लगता है कम से कम ज्यादातर लोगों तक बात पहुंचे इसीलिए। और फिर आपके तो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं लेकिन हम कम से कम सच्चाई सामने लाते हैं, वो सच्ची जनता के बीच जा रही है। ये सवाल थोड़ा पुराना है, आपके पिताजी ने आपको राजनीति सिखाई, राजनीति के मैदान में उतारा, पृष्ठभूमि तैयार करके नेताजी मैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो साइड में नहीं है। जनता को जितना प्यार जनता ने नेताजी को दिया उससे ज्यादा प्यार इस बार नेताजी को मिलने जा रहा है और सबसे ऐतिहासिक जीत इस देश में किसी सीट पे होने जा रही है तो मैनपुरी लोकसभा पे होने जा रही है। ये तो आप कह रहे हैं ना सर, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में खबरें आती हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, मुलायम सिंह का नाम इसमें नहीं आया। कि लोग तुम्हारे घर में रहते नहीं, हम नेताजी के घर में रहते हैं, सुबह शाम बात होती है तो हम उसको बेहतर बता सकते हैं। और यही गोरखपुर और फूलपुर की जब जीत हुई थी तो सबसे पहले नेताजी ने फोन किया था बुआ जी को, तो ये कई चीजें यहाँ से बाहर नहीं आ पाती हैं, वो हम आपको बेहतर बता सकते हैं। शुभकामना वो मोदी जी को खुलेआम दे रहे हैं, आपको बंद कमरे में दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये है कि नेताजी जिसको आशीर्वाद देते हैं वो हारता है। इससे पहले आपके मनमोहन जी को कहा था सदन में और वो भी हार गए, इस बार आपके ये भी प्रधानमंत्री हारने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मुलायम सिंह यादव ने अभी कही थी बहू अपर्णा यादव को उतारने की, बात नहीं मानी गई पार्टी के अंदर, चूंकि परिवार अलग है और राजनीति अलग है, पूरी जो संगठन है पार्टी का वो वैट के टिकट तय करती है, तो इस बार शायद वो स्पेस हमारी सीटें, हमारे पास सीटें कम थी। पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी बात की भी, अगर आपने कहा कि माया का हमने बयान इसलिए ऊपर रख लिया क्योंकि वो हमसे सीनियर हैं, तो अखिलेश जी आप ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव भी जो सीनियर है पार्टी के संस्थापक, उनकी बात को आपने दरकिनार कर दिया? पार्टी संगठन से चलती है, ये पूरे संगठन का फैसला था और जो भी फैसले लिए जाते संगठन में लिए जाते हैं, पार्टी संगठन से चलती है। अच्छा, एक बात बताइए तो पिताजी की बात हो गई, चाचा शिवपाल के बारे में बताइए, नई पार्टी है, नए अध्यक्ष हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावना है? देखिए लोकतंत्र में हम लोग
और लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आए और सबको पार्टी बनाने का, चुनाव प्रचार करने का हर तरह का अधिकार होता है। तो उन्होंने पार्टी बनाई, अच्छी चीज है, चुनाव प्रचार करें, लड़े, अच्छा करें, देश को बदलें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उन्होंने एक अलायंस भी बनाया है उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर, कितना कारगर होगा हमारी पार्टी की। उनका सवाल है तो वो बेहतर बता पाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि राजनीति बदलनी चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आए और बेहतर करें, देश का विकास हो, यही देश के आंकड़े अच्छे हो जाएं, ये हम कह सकते हैं। प्रगति सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं सतपाल जी, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर पूर्व मंत्री रहे, पार्टी को सींचा है उन्होंने साइकिल चला के। वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के अर्थ से फर्श तक की कहानी को जानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे ही हमने सीटों की बात की समाजवादी पार्टी से, उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी, इसलिए हमें मजबूर अलग अलायंस बनाना पड़ा, 30 पार्टी को समर्थन में लेना पड़ा और 6-7 दल उन्होंने ले लिए। तो क्या समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को दरकिनार कर रही है? देखिए, कोई किसी का दरकिनार नहीं है, पूरा संगठन का फैसला होता है और राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, शिवपाल जी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ में अक्षय यादव जी हैं, यानी रामगोपाल यादव जी के बेटे, रामगोपाल जी आपके बेहद करीबी हैं पार्टी की हैसियत से, और शिवपाल जी फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं, देवरिया से वो आजमगढ़ से माफ कीजिएगा दिनेश लाल यादव, दिनेश यादव जी लड़ रहे हैं, दोनों ही सीटें कितनी कारगर होंगी आपके लिए? देखिए, ये चुनाव में जो फैसला वो जनता देती है, तो हम लोग जनता के बीच हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं, जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी वही सदन तक पहुंचेगा, तो ये तो जनता के बीच है, जनता जिसको अपना वोट दे देगी वो जीत जाएगा। देखिए, दिनेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि इनका एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, भोजपुरी सुपरस्टार है, और उन्होंने ये बयान भी दिया कल कि लोग ये मानते हैं कि यादव जो कुनबा है वो अखिलेश भक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनका बयान है। तो क्या यादवों को अपनी तरफ खींचने की उनकी ये सियासत है, और वो क्या जीत पाएंगे? वही नहीं, जितने कैंडिडेट हैं, मैं कहता हूँ ये तो जनता का फैसला देगी, जनता के बीच जाएं, जनता जिसको जिताए वो जीतेगा, तो इसलिए हम भी जनता के बीच हैं और भी कैंडिडेट जनता के बीच हैं, तो जनता ये तय करेगी कौन जा रहा है सदन में और कौन नहीं जा रहा है। आप एमएलसी भी रहे हैं और आपने दोनों सदनों को देखा है, विधानसभा को भी देखा, आपने विधान परिषद को भी देखा, अब लोकसभा चुनाव है, समीकरण कैसे बैठ रही है समाजवादी पार्टी की? समीकरण बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें बूथ पर वोट बढ़ाना था और यही बूथ पर वोट, चूंकि अब तो बसपा का भी वोट हमारे साथ है, हमारा बसपा के साथ है, तो कहीं की वोट बढ़ेगा तो यही आंकड़े ठीक होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा सदन में अपने मेंबर्स जा पाएंगे हमारे। लेकिन लखनऊ में मीडिया से मुखातिब होते हुए आपने दम भरा था कि निषाद पार्टी हमारे साथ है, अब उन्होंने पार्टी तोड़ दी, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली, तो आपकी पार्टी कमजोर हो गई। सम्मान और छोटे दलों को हो सकता था, हमने किया है सभी को, चाहे वो RLD हो, चाहे कोई सा दल हो, सबको हर तरह का सम्मान दिया। अब उस सम्मान से कोई आहत होता है तो इस पे तो आप उन्हीं से बेहतर बता पूछ सकते हैं। देखिए, जब तक मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तक समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी, जो आज भी यकीनन बड़ी पार्टी है, लेकिन आपके जो फैसले हैं वो मायावती जी के फैसले के बाद आते हैं, उनको प्राथमिकता आप ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को कहीं छोटा आंक रहे हैं? छोटा नहीं, वो सीनियर लीडर है, ये सबको मानना चाहिए, और बाकी जो भी है, अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल गया, नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी है, तो जो भी चीज अब नई आ रही है तो नई तरीके से की जा रही है। अच्छा, एक सवाल यह है कि आपके पास विकल्प कौन है प्रधानमंत्री के तौर पर? देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए, इससे पहले भी कई चुनाव ऐसे हुए हैं और ये आपकी BJP की पार्टी के हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पहले से डिसाइड था, लेकिन परिणाम के बाद डिसाइड हुआ, तो वही परिणाम आ जाएगा और उसी के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड हो जाएगा। क्या अंकगणित बैठेगा? अब सब कुछ तय हो गया है, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक, तारीखों का सब कुछ ऐलान हो चुका है, अब क्या दिल्ली की जो सियासत बनेगी, दिल्ली की जो केंद्र की सत्ता बनेगी, वो किस तरीके से आप देख पाए? मैं ये कह सकता हूँ, मैं गणित में नहीं जाता ना किसी आंकड़े में जाता हूँ, देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ, और यही उत्तर प्रदेश यही देगा, और जो प्रदेश उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा वही प्रधानमंत्री देश को मिलने जा रहा है। जनता को वो आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो BJP की सरकार ने 5 साल में झूठ बोले, और जो भी आपने समस्या अपने यहाँ दिक्कतें देखी थी नोटबंदी में, और युवाओं को जो वादा किया था रोजगार देने का, किसानों को कितनी तकलीफें हुई, हमारे नौजवान भाइयों को कितनी दिक्कत हुई, तो BJP ने झूठ बोला, को जवाब देने का समय आ गया है, और मैं कह सकता हूं कि इसी को ऐसा जवाब मिले कि कम से कम देश को एक अच्छा और बेहतर प्रधानमंत्री मिले।
ये भी तो मन टटोल रहे थे अखिलेश यादव जी का, सपा अध्यक्ष है। अखिलेश यादव किनको आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद सबको है, हम तो आपको भी आशीर्वाद देते, आप भी अच्छा करें पत्रकारिता में, तो जो मेहनत करे वो आगे बढ़े, बाकी हमारा आशीर्वाद सबको है। आपने शुभकामनाएं भी दी हैं, आशीर्वाद भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की, और सांसदों को भी कहा कि यही सांसद वापस चुनते हैं, और आप मैनपुरी से नामांकन पर्चे दाखिल कर चुके हैं, अगर वही सारे सांसद चुन के आएंगे तो समाजवादी पार्टी तो सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब वो हमें हमारी टेंशन है कैसे क्या आएगा, वो आप उसकी टेंशन मत लो, और हम जिसको बोले वो तो हार जाता है, इसीलिए जनता तय कर देगी, आप जल्दबाजी ना करें। मतलब आपने जो बयान दिया उसका उल्टा सा देखने को मिलेगा, अब की बात हम आपको अकेले में समझाएंगे, अब अच्छा, सबके सामने नहीं। अच्छा ये बताइए शिवपाल यादव जी के लिए क्या शुभकामनाएं? हमारा आशीर्वाद है सभी को, अच्छा करें, देश बदले, नौजवानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार, चीन हमला कर रहा है हमारे देश पर, आपको पता भी नहीं होगा जी, चीन ने इतना कब्जा किया है कि बहुत धोखेबाज देश है, 26 साल से कह रहा हूँ। शिवपाल जी को क्या आशीर्वाद देंगे आप? आशीर्वाद है सबको, सब आए, अच्छा देश को जो समस्याएं हैं वो बदलें और अच्छा करें सर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कह रहे हैं कि सब लोग अच्छा करें, ये कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है, आपकी पार्टी जब एक थी, जब आप पार्टी में थे, शिवपाल जी थे, अमर सिंह जी थे, आजम खान साहब थे, पार्टी की मजबूती देखने को बनती थी, लेकिन अब सब अलग अलग है, सबकी बयानबाजी अलग है, आपके खुद की बयानबाजी अलग है। और ये राजनीति की बात है, आप बेहतर नहीं समझ पाओगे, तब का मामला अलग था, अब अलग है, अब ये नया मोबाइल वाले लोग हैं, तो अब भी अच्छा करेंगे, और इस बार बहुत अच्छी सरकार जाने जाएगी दिल्ली में। अच्छा चलिए हम राजनीति की बातें नहीं समझ पाएंगे, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, एक बार बताइए टीपू जी आपकी बात क्यों नहीं मानते? हमारी अंदर की बात है, वो सब मानते हैं, वो क्या नहीं माना बताओ? आपने कहा अपर्णा को उतारना चाहिए मैदान में, नहीं उतारा, वो उनका थोड़ी तो पार्टी का तय किया, संगठन तय करता है, अब वो अंदर की बात है, उसका बाद में आपको। अच्छा ये बताइए आपकी वर्तमान सीट बदल के अब आपको मैनपुरी दे दिया गया है, क्यों दिया? वहीं से शुरू की राजनीति हमने, और वो हमारी जनता को बहुत प्यार है वहाँ से, इसीलिए हम अपने था कि मैनपुरी से लड़े। आपके बेटे ये कहते हैं कि मायावती जी सीनियर हैं, इसलिए हम उनकी बात को प्राथमिकता में रखते हैं, तो क्या आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना अभी भी बरकरार है? क्या अब मायावती जी प्रधानमंत्री बने? अभी जो है नए लोग आए, युवा लोग, अच्छा जो समझते हैं देश को, अच्छा करें, उनको मैं चाहता हूँ। तो आप अपना प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ रहे हैं? कई मौकों पर कहा, आज नेशनल लाइव पे आप ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने, इससे पहले हमें कई मौकों पर कहा, अब हम तो कौन प्रधानमंत्री आप देखते हैं अपने अलावा? कोई नया प्रधानमंत्री जाए और अच्छा करे देश में, वो जाए। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है? वो हैं, लेकिन वो इस बार बनेंगे नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। जब प्रधानमंत्री अच्छे हैं, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बनेंगे? ये अलग होती है, राजनीति अलग होती है, राजनीति में रुकिया। तो सवाल मेरा यही है ना कि आप किस तरीके, कौन सा चेहरा आप देख पाते हैं, आपका एक लंबा करियर है राजनीति का, आपकी समझ क्या कहती है कि ये शख्स या ये चेहरा राजनीति में प्रधानमंत्री? राजनीति में बस इतना सीखा है कि जनता सब होती है, जनता जिसको जिताएगी वही वहां पर करेगा। अच्छा ये बताइए, इन सबसे इतर जब घर में आपके जो फंक्शंस होते हैं, घर में जो आपके काम होते हैं, काज होते हैं, जब सब लोग साथ में बैठते हैं, क्या इसी तरह की बातचीत होती है या कुछ हल्की फुल्की बातचीत? घर की बात तो हमें घर में रहने दो, वो आपको क्यों बताएं हम घर में क्या है? आप एक सार्वजनिक नेता हैं, आप एक सार्वजनिक जिंदगी जीते हैं। अच्छा क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव जी के जो बच्चे हैं, जो भी अभी राजनीति से कोसों दूर है, क्योंकि आपके बच्चे राजनीति में आए, तो क्या अखिलेश यादव जी की भी ये वंशावली आगे बढ़ेगी? अरे बच्चे ऐसे राजनीति में नहीं आए, जनता ने कराए हैं, जनता के सामने गए, जनता ने जिताया तब आए। ये तो आपका बड़प्पन है सर, लेकिन आपने पहले अखिलेश यादव को आपने बुलाया लखनऊ, और आपने पार्टी में उनको कार्यभार सौंपा, फिर धीरे धीरे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जनता ने भेजा, तो जो आए राजनीति जनता तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा रामपुर सीट जो है काफी हॉट सीट मानी जाती है, आजम खान साहब वहाँ से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ में जयप्रदा जी, आप रामपुर गए हैं दो मरतबा, रामपुर में किसकी सीट को आप सुरक्षित मान रहे हैं? कहा है जनता वही जाए दोनों लोग, और जनता जिसको वोट दे दे वो जीत जाएगा। अच्छा एक तेरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बिल्कुल समसामयिक घटना का सवाल है, आय की संपत्ति का मामला है, केस चल रहा है,
कई मुद्दे हैं, लेकिन आपको असल मुद्दा नहीं पता है। क्या है असल? मुसलमान परेशान है। तो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी मुसलमानों को लेकर के सत्ता में अगर आए तो अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सबको मिले, सब सही है। महिलाओं की बहुत अपेक्षा हुई देश में, और भी कई मुद्दे, युवाओं को इतना सम्मान नहीं मिल पाया सरकार में। सरकार से जब बातचीत करते हैं आप बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं, राजनीति की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सदन में जाके आपकी भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन सवाल पूछने का क्या है तुमको? अभी व्यक्तिगत है सब चीजें सदन में। आप व्यक्तिगत नहीं है, आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, सदन में आप कुछ बोल रहे हैं पत्रकारिता के लोगों से बातें बोलते हैं। का एक सम्मानजनक जगह है, वहाँ सम्मानजनक बातें होती हैं, और जो सच्चाई वो सच्चाई बतानी पड़ती है वहाँ। फिर मायावती जी की पार्टी के तमाम नेताओं ने मीटिंग की और ये संकल्प लिया कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब वो तय हो जाएगा जब कितनी सीटें वहाँ किसकी आ जाए, तो वो वहाँ पे होगा सदन में सब चीजें। अब रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के, अब आप चीन का बार बार जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, क्या विदेश नीति होनी चाहिए अब आगामी सरकार की, जब जो भी सरकार बनेगी उसकी रक्षा नीति क्या हो? हमने 1997 में जो किया वैसी होनी चाहिए। ये ठीक है किया आपने सर्जिकल जो भी किया, अब ठीक है उसको अंदरूनी होता दिखाया नहीं जाता, लेकिन आप उस पर राजनीति कर दी, पूरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी चीन में भी हमने क्या था 1997 में हमला कर दिया चीन पर, हमारा हेलीकॉप्टर गिराया उन्होंने, लेकिन उस पर राजनीति तो हमने नहीं की। जितना सम्मान हुआ देश के जवानों का, हमारे देश की जनता सेना बहुत वो है, ताकतवर। अच्छा अब ये बताइए, जब आपकी सरकार गई और योगी जी की सरकार आई तो ये अखिलेश यादव जी ने ये कहा आपके बेटे ने कि हम पीता काटने वाली सरकार देके जा रहे हैं आपको, मतलब आपने काम किया, आपके कथित तौर पे आपने इस तरह बयान दिए, अखिलेश यादव जी ने बयान दिए। योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को बताया कि उन्होंने बहुत काम किया है, क्या प्रतिक्रिया, क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, और देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुसलमानों को हुई है, तो इसलिए अच्छे लोग आए राजनीति में, ये ऐसे लोग आए, जनता परेशान हो गई, खेतों में गैया देखो चल रही खेत। तो अभी आप बार बार एक खास जाति और धर्म का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपके नाम के साथ एक बड़ा शब्द जोड़ा जाता है मुल्ला मुलायम सिंह, ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करना चाहते हैं या तमाम जाति धर्म के लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं खेती से जुड़े हुए हैं उनकी भी आप चर्चा बात करते हैं? सब धर्म का और सबका वो करते हैं, जब कुछ लोग आगे आए यही स्वादी पार्टी कर रहा हमें और कर रहे हैं अभी, सबको सम्मान दिया है। चलिए मैं आखिरी सवाल पूछूंगा फिर मैं शिवपाल जी कहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सदन में कितनी सीटों के साथ आप गठबंधन सरकार बनाएंगे? पार्टी तय करेगी चुनाव जीतने के बाद, अभी उस पर कुछ सकता जनता पे है सर। अच्छा ये बताइए बस आखिरी सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा के अंदर लाल किशन की भूमिका है, उनको नदारद कर दिया गया, उनका टिकट भी कैंसिल है, हालांकि आपको तो टिकट मिला है तो तेरी शुभकामनाएं, लेकिन क्या सपा के अंदर आपकी भूमिका भाई बनने की अडवाणी जी की है? बदल रहा है, अब नए आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, इसी सवाल जो है उनसे पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अखिलेश यादव जी का मन टटोला, हमने मुलायम सिंह जी का मन टटोला, और यूपी सियासत है और उनकी जो आपसी बातचीत है उसको जानने की कोशिश करी। हमारे साथ हम बात करेंगे शिवपाल जी से जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब पीस पार्टी और अन्य 6 दलों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, पीएम मोदी ने बड़ा अच्छा नारा दिया कि ना खाता ना भाई, जो कांग्रेस का वही सही, और आपके लिए भी यही है कि ना खाता ना भाई, जो आप करें वही सही। देखिए हम तो जनता के बीच हैं, हैं? और जनता जो फैसला दे उसमें हम जाएंगे, हम इधर उधर नहीं, हम तो जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, अब से पहले तो आप समाजवादी पार्टी के पास क्या सीटों के लिए? देखिए राजनीति में तो सब चलता है, हमने तो अपनी जो बातें हैं वो रखी थी, अब जिसको जो लगा उसने किया, लेकिन अभी तो हम अकेले ही प्रचंड आंदोलन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और बहुत प्रचंड जीत होने जा रही है इस बार। शिवपाल जी आपका नाम नहीं है उत्तर प्रदेश की सियासत, आप मुझे ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं, ये अटकल लगाई जा रही है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। आरोप तो कई लगते हैं, हैं? तो ये तो जो लगा रहे हैं उनसे पूछे आप, हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं और काम ही किया है, जितना भी मतलब मौका मिला तो जनता के बीच काम किया, तो इसीलिए जनता प्यार देती है और उनके कहने पर जनता के बीच है और एक प्रचंड जीत होने जा रही है। सर ये बताइए कि आपने बीजेपी से बात की,
आपने कांग्रेस से बात की, आपने समाजवादी पार्टी से बात की, मानी किसी ने नहीं आपकी बात। कांग्रेस ने हमको धोखा दिया। अच्छा, और बीजेपी ने भी दिया, क्योंकि पहले वादा किया तो ये धोखा दे रहे हैं, लेकिन जनता हमको धोखा नहीं देगी, जनता हमको जिताएगी है? क्योंकि जनता के काम किए हैं और जनता प्यार देगी, तो जो भी होगा उसके बाद चुनाव के बाद जनता के बीच हैं और जनता के बीच जाकर बात रखेंगे और जीतेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, बीजेपी ने आपको धोखा दिया, समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र नहीं किया कि उन्होंने धोखा नहीं दिया या दिया, तो आपने अलग पार्टी क्यों ना, अलग पार्टी की जरूरत क्या हुई जब आपके पास समाजवादी पार्टी की बड़ी पृष्ठभूमि तैयार है, आप खुद की पृष्ठभूमि बनाने पे लगे हैं। पे भीतरघात करने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने परिवार में भीतरघात किया, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सबको, फिर पता चलेगा कौन गलत था कौन सही था। तो अभी तो हम अपने स्तर पर कर रहे हैं, नेताजी का भी आशीर्वाद है। अच्छा, बात होती है तो जनता के बीच जाके देखते हैं क्या जनता फैसला देगी। नेताजी तो कह रहे हैं कि सारे लोग आए चुनाव लड़े जनता जिताएगी, मुलायम सिंह जी ने तो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया, आप कह रहे हैं हमारी बातचीत होती है। नेताजी से बड़ा इस प्रदेश में, देश में, विश्व में कोई नहीं है, नेताजी की वजह से सब हैं, और नेताजी तो बहुत बड़ी जीतेंगे मैनपुरी से, और हम भी जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, और एक प्रचंड जीत इस बार होगी। सर ये बताइए कि आपने सारे सीटों से प्रत्याशी उतार दिए, फिर आप फिरोजाबाद पे आ गए और आप अपने भतीजे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हम तो जनता के बीच हैं है? और अपनी बात रख रहे हैं, तो जनता तय करेगी कि कौन जीते, लेकिन अभी तो हम जनता के बीच। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ेगी आप अपने भतीजे के खिलाफ लड़ने लगे अक्षय यादव? प्रदेश की जो जनता है और फिरोजाबाद के जो लोग हैं उन्होंने बुलाया कि, और उनका ही प्यार है जो वहाँ से लड़ रहे हैं। तो कितनी सीटें लेके आ पाएंगे आप? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदन में पहुँचेंगे और एक बहुत अच्छा जो है निर्णय लेंगे। चलिए आपके बयान को बड़ा करते हैं, मान लीजिए आपको जीत करके आप सदन में जाते हैं, मैं अगर लगा मान के चल रहा, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी पार्टी की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या संविधान है प्रगतिशील समाजवादी? जो भी लोहियावादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं दब रही थी, तो अब हम उनकी बात उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, और नौजवान भी परेशान, गुंडागर्दी बढ़ी है प्रदेश में, भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जा, और FIR भी नहीं लिखी जाती है, तो ये मुद्दे हैं और इनको फिखर करना है और एक प्रचंड जीत होनी है। ये बताइए कि गाजियाबाद से आपने सेवाराम को उतारा और आपने तमाम सीटों से बड़े बड़े अपने अपने पार्टी के नेताओं को उतार दिया, मुकाबला आपका समाजवादी पार्टी और बसपा से है, ये तो छोटी पार्टी नहीं है, आप बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि आपका नाम भी बड़ा है, क्या टक्कर दे पाएंगे, कितनी सीटें आप ले पाएंगे, क्या आपके जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उसमें कितने आपके नेता पहुंचेंगे? प्रचार में है और सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लगे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग, प्रचंड जीत होगी इस बार। तो सर ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश जी आपके भतीजे हैं, आपने कुछ आशीर्वाद दिया उन्हें परिवार के नाते? तो अलग है, राजनीति अलग है, तो वो तो सब चलता है और वो बात की बात है, सब बताएंगे आपको। ये बताइए कि जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं कितने साफ छवि के हैं? ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग राजनीति में पहुंचे, जनता के जो भी मुद्दे हैं वो पहुंचाए सदन में, वो ध्यान में रख के किया गया है। सर ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी अभी उनका विवाद आया नामांकन से, समाजवादी पार्टी वो चार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं डाला उनका, फिर बाद में विवादों के चलते नाम आ गया, क्या आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर पहले आपकी बात को दरकिनार किया गया, फिर मुलायम सिंह जी को दरकिनार किया जा रहा है, पार्टी के अंदर का एक क्षेत्र रक्त नहीं चल रहा है? ये पार्टी के अंदर कुछ भीतरघात करने वाले लोग हैं। क्या नाम बता सकते हैं? नहीं, वो सब समझते हैं, आप भी समझते होंगे, तो वो लोग हैं और जल्दी समझ में आ जाएगा उन लोगों को जो भीतरघात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि 2019 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है? ये गुंडागर्दी बढ़ी है प्रदेश में,
और भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जा हुआ है, थानों में FIR नहीं लिखी जाती है, तो वही मुद्दे हैं और उन्हीं को लेकर जनता के बीच हैं हम लोग। मैं वक्त पुराने वाले सवाल पे लौट के आता हूँ। मैंने ये पूछा था कि आपकी पार्टी का संविधान क्या है, क्योंकि आप नई पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी ने क्या संविधान बनाया है, क्या रूपरेखा तैयार की है, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। लोहियावादी जो लोग हैं, लोहियावादी लोग हैं, उनकी जो भी नीतियाँ थी उनको जनता के बीच लाना है। मतलब आप ये चाहते हैं कि किसान सेंटर में होगा? किसान हैं, मजदूर हैं, मुसलमान भाई हैं, महिलाएं हैं, सबका सम्मान मिलेगा वहाँ। शिवपाल जी, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आपने देखी है, आपने साइकिल चला के समाजवादी पार्टी को बहुत आगे तक लेके गए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी आएंगे? नेताजी का आशीर्वाद तो है, बाकी तो ठीक है, उतने से काम चल जाएगा। लेकिन आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से और बसपा से है, इतने से काम नहीं चलेगा आपके, मुझे लगता है। पास जनता है और जनता का जन समर्थन है, तो जनता तय करेगी और बहुत अच्छी जीत जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है, चौकीदार, सुना होगा आपने, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये सब कुछ नहीं है, जनता के जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो हल होनी चाहिए, वो तो ये कर नहीं पाए, तो जनता अब प्रगतिशील के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं समर्थन देगी। अमर सिंह का नाम आपने सुना होगा, अभी चर्चा ये आई थी कि तबीयत खराब के चलते मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? तो भर्ती है तो कोई भी हो, भर्ती हो देखना चाहिए तो देखने चाहिए उनको। क्या भविष्य में आप अखिलेश यादव को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे या अखिलेश यादव जी के साथ चलेंगे? हम अकेले जनता के बीच हैं, बाकी परिस्थितियाँ जो बनेगी वो तो होगा। चलिए चलिए, ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिवपाल यादव जी। आज हमने नेताजी, अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी का मन टोटला नेशन लाइव के खास कार्यक्रम चुनावी तकुल्लस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Combat Sports Shoes brings out the best in you. हर खबर का मतलब ब्रेक, आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा, समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा, खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी